घर घर पानी जी हेल गेले बाल बच्चा भूखले पियासले मरते रहते। क्या दिक्कत होता है हर बार? ग्राम दुलचनपुर गांव है, हमन पूरा पंचायत के हम लोग निवासी हैं और यहाँ यही दिक्कत है कि चार साल से सब लोग आते हैं और यही कह के जाते हैं कि हम लोग के पास कोई समाधान नहीं है। पूरा गंभीर स्थिति है, 50 घर ऐसा है कि उसको निकले के कोई रास्ते नहीं है, खाने पीने के व्यवस्था नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज और नालंदा से है। विधानसभा चुनाव आ गया और चुनाव की तिथि का ऐलान भी हो गयी। इस ऐलान के बाद सभी जन प्रतिनिधियों ने अपनी पूरी ताकत भी चुनाव जीतने की होड़ में लगा दी, लेकिन इस होड़ में किसी भी जन प्रतिनिधि ने उन किसानों की समस्या के बारे में नहीं सोचा जो हर साल बाढ़ में पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। जब केंद्र की सरकार के द्वारा किसान विरोधी कानून लाया जाता है तो विपक्षी पार्टियों के द्वारा भी हंगामा करके वोट बैंक की राजनीति की जाती है, लेकिन इस बाढ़ जैसी भयानक त्रासदी से निपटने के लिए ना तो विपक्ष कोई ठोस कदम उठाता है, ना ही वर्तमान सरकार कोई ठोस कदम उठाने की जहमत करती है। ग्रामीण गया प्रसाद ने बताया कि स्थानीय प्रशासन से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अच्छी तरह से पता है, रहुई प्रखंड पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र इलाका में शुमार है। बावजूद इस बाढ़ जैसी त्रासदी से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन और स्थानीय विधायक बीजेपी डॉक्टर सुनील की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है, जिसके कारण इन ग्रामीणों में प्रशासन और स्थानीय विधायक डॉक्टर सुनील के खिलाफ में आक्रोश देखा जा रहा है। क्या कुछ ग्रामीण कहते हैं देखे इस रिपोर्ट। घर घर पानी जी हेल गेले बाल बच्चा भूखले पियासले मरते रहते, कुछ देबो ने खाए भू पियल बाल बच्चा के। तो कोई हलखुन की नहीं यहाँ? क्या हखिन? क्या हखिन? कोई ना के? कोई विधायक जी चाहे प्रशासन? कोई नहीं हखिन, कुल माल मर गेलखिन। तो आप लोग क्या परेशानी हो रहा है? कुल घर में पानी ढुक गया या कौन कौन परेशानी है? पानी की स्थिति है? पानी तो देखे रहा कि तूफान है, घर में पानी इतना ढुकल है। की नाम बोलो तुहर? क्या दिक्कत होता है हर बार? ग्राम दुलचनपुर गांव है, हमन पूरा पंचायत के हम लोग निवासी हैं और यहाँ यही दिक्कत है कि चार साल से सब लोग आते हैं और यही कह के जाते हैं कि हम लोग के पास कोई समाधान नहीं है। अभी क्या स्थिति है? अभी यही स्थिति है कि घर पर घर से निकलना मुश्किल है, धान दह गया है, यही स्थिति। हाँ, फंसा हुआ छत पर है, 20 घर के करीब ऊपर नदी के ऊपर फंसा हुआ है, छत पर है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो प्रशासन कुछ नहीं किया? प्रशासन आज तक कुछ नहीं किया। आता है देख के चल जाता है। बाढ़ का स्थिति भयावह है, भयावह है। विधायक उधायक अपन विधायक तो हम लोग चिंते ही नहीं है, चिंते ही नहीं आता था, वो चिंते नहीं किया। सुनील कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार नहीं चिंते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम गया प्रसाद हुआ। गांव का नाम दुलचनपुर है सर। हर साल 3 साल से हो रहा है तटबंध का, यह देखिए बोरा बनाता है चल जाता है, 4-4 साल से बोरा बनाता है लेकिन कोई फायदा नहीं है। आकी होता है पूरा धान है, सब दिन सब दह जाता है, कोई मतलब नहीं, खुलाता है देख के चल जाता है। अभी स्थिति है कि कोई ऐबे नहीं किया है, पूरा गंभीर स्थिति है। 50 घर ऐसा है कि उसको निकले के कोई रास्ते नहीं है, खाने पीने के व्यवस्था नहीं है। विधायक उधायक प्रशासन नहीं है? कोई नहीं, कोई ऐबे नहीं करता है, कोई देखो कोई मतलब नहीं है, आता है देख के चल जाता है। कभी तो चिन्हवन करते हैं कि विधायक के है सर, कोई नहीं चिन्हते हैं। तो अभी मैंने क्या बर्बादी भी हुआ है? बर्बादी तो इतना हुआ है कि सर कि पूरा धान 3-4 खंदा था दह गया, पूरा धान दह गया। क्या नाम आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ।